अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग हैं? कि मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी एनोनिमस की पब्लिक, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए, खैरियत हो गए, मज़े में हो गए, जहाँ हो गए खुश हो गए और इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को। भाई सबसे पहले हम ये नया रेंगल मूड ट्राई करने वाले हैं, इसमें वो छोटा छोटा बंदा बन जाता है। तो मैंने टू बी ऑनेस्ट इससे पहले नहीं खेला, तो मुझे नहीं पता अंदर जाके भाई हमें क्या कुछ मिलने वाला है। फर्स्ट टाइम खेल रहा था। और पब्लिक, आपको पता है कि कल वाली वीडियो मैंने आपको चैलेंज दिया था 80,000 लाइक्स का, तो वो वाली वीडियो मैंने भी थोड़ी देर पहले ही एडिट किया है। तो मतलब एक रात को मैं दो वीडियो एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी एनर्जी फील हो रही थी, तो मैंने कहा दो वीडियो एडिट कर लेते हैं। गेम प्ले भी बड़ा हुआ था, तो मुझे लग रहा है कि होप सो आपने कर दी होगी 80,000 लाइक्स। अगर हो चुके हैं तो फिर ग्लेशियर मैक्स वाली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आने वाली है बाबा जी। और मेरी एनोनिमस पब्लिक, अब इसमें ना मतलब ऑल पे आवाज़ें आ रही थी। मैं आपको लाइक पहले ही बता दूँ, ऑनेस्टली इतना कोई रैंक नहीं है इस आई डी से मेरा, तो ऐसा नहीं है भाई क्राउन हो या एस हो, तो बहुत अच्छी लॉबी है। नॉर्मल लॉबी थी, अच्छे प्लेयर भी थे, हल्के प्लेयर भी थे, नॉर्मल प्लेयर ज़्यादा थे, अच्छे प्लेयर्स कम थे, झूठ वाली तो कोई बात नहीं है। तो मतलब लेकिन आपको पता है जो बाहर के प्लेयर्स होते हैं, आप देखते हो 40 किल्स 35 किल्स 30 किल्स, वो इसी टाइप की वीडियो लॉबी होती है जैसी मैं अभी खेल रहा हूँ। और उसमें आपको बहुत जल्दी बहुत ईजिली बहुत ज़्यादा किल्स मिल जाते हैं। अभी आप देखोगे हमारे ऑलमोस्ट किल लाइक 30 के आसपास हो गए थे, और अगर मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से खेलता तो हम और ज़्यादा किल्स कर सकते थे। लेकिन मुझे मतलब ऐसी लॉबी में खेलने का मज़ा नहीं आता। आपको बताया लाइक कॉन्करर में मैं 5 किल करके खुश हो जाता हूँ, लेकिन ऐसी लॉबी में मैं 30 भी कर लूँ तो उतनी खुशी नहीं होती। लेकिन खैर पब्लिक, मैंने मार्क लगाया था जो सबसे करीब ये वाली नई वाली बिल्डिंग गई थी, इसमें मैं आ जाता हूँ। और बंदे ना काफ़ी लेट उतरते हैं, मैंने ठीक से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लैंडिंग कर ली थी, तो बंदे काफ़ी लेट आते हैं। डी पी 28 मुझे मिल गई थी और मैं डी पी 28 लेके नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे बंदा नजर आया, मैंने फ़ौरन से इसको डाउन किया। आई बलोच भाई का नाम था। और अभी सस्ती शायरी भी मैंने आप लोगों के सोच रखे, तो भाई वो भी सुनाएंगे, वो हम भूल तो सकते नहीं है। भाई सांप, केकड़े, सांप, पता नहीं क्या क्या शीशे में बंद किया हुआ था, लेबॉर्टरी थी ये कोई। और अब जो बच्चा बोल रहा था ना, वो यहाँ पर हमें सीढ़ियों पर मिलने वाला है। तो ये था, वो पैन लेके आ रहा था ऊपर, ये ऑल पे बोल रहा था अब्दुल रजाक शायद से, ये बोलता है कि वही ऊपर गन लेके बंदा बैठा हुआ है, पता नहीं क्या बात बोलते हैं, ये मुझे सही से याद नहीं है। वही साथ ही घर पर मुझे एक बना रहा है, इसको मैंने डाउन किया। ये एफसी हुसैन को, बेचारे को मैंने 2-3 बार डाउन किया था। सस्ती शायरी मेरी थी, पता नहीं मुझे थोड़े से याद करना पड़ेगा, एक तो मैं भूल जाता हूँ। हाँ, कि दूध को करो गर्म तो दूध पे आ जाती है मलाई। वाह 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 वाह, ये आखिरी बंदा था इनका, नहीं ये आखिरी था, इसको मैंने डाउन कर दिया। लेकिन खैर फाइट चलने दो, हम आपको पहले शायरी सुनाते हैं। कि दूध को करो गर्म तो दूध पे आ जाती है मलाई। वाह 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 वाह, दूध को करो गर्म तो दूध पे आ जाती है मलाई। जूती, चप्पल, झाड़ू, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे अपने अम्मी से हमने मार नहीं खाई। सस्ती शायरी विद एनोनिमस। तो मुझे बताओ बचपन में या अभी भी आपको अम्मी से किस चीज़ से ज़्यादा मार पड़ती है, उस चीज़ का नाम कमेंट करना। मैंने तो लाइक डंडे से भी खाई हुई है, और पता नहीं किस किस चीज़ से, मुझे तो याद नहीं है। थप्पड़ी बहुत खाए हैं मैंने बचपन में, तो मैंने तो बड़ी चीज़ों से मार खाई है, आप लोगों ने खाई है तो जिस चीज़ से भी मुझे ज़्यादा, तो कमेंट बताना। पब्लिक की बंदा वहाँ पर बॉट को मार के शेर नवाज बुर भैया हमारे नज़र आते हैं। देखो अब जब तक मुझे स्पॉट नहीं हुआ, प्रोन हो गया था आराम से, मुझे स्पॉट हुआ फ्री में आया। कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा हमें नज़र आता नहीं है और हम उसे मारने के लिए चले जाते हैं, वो सांप होगा या फिर वो उस जगह होता नहीं है जहाँ हमें लग रहा होता है, वो हमें डाउन कर देगा। तो ऐसी गलती ना किया करें। ये ग्लिच हो रही थी गन भाई की, मैंने दरवाजे पर मारा, लेकिन दरवाजे पर मारने के अब पता नहीं दरवाज़ा टूटा हुआ या ग्लिच हो रहा है, मेरे ख्याल से नहीं टूटा हुआ, लेकिन दरवाजे के पीछे गोलियाँ लग जाती हैं, और अगर आप ग्लिच हो रहे हो तब भी लग जाती हैं गोलियाँ। तो ये भाई साहब ग्लिच हो रहे थे, दरवाज़ा बिल्कुल दरवाजे के साथ जुड़ के खड़े थे, मैंने दरवाजे पे गोलियाँ मारी, ये डाउन हो जाते हैं। इन्होंने हील भी नहीं किया था शायद से, क्योंकि ये उतरे ये घर में थे या इनको क्या क्या सामान मिल सकता था। तो मैंने ऊपर रश किया और पहले मैं जाता हूँ, तो भाई साहब अचानक से आ गए, जान निकल गई। टी एस लाइन भैया ने एक तो शॉर्ट गन पकड़ी हुई, ऊपर से आके लेट रहे थे, लेकिन इनको क्या पता था बंदा ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे थे वही एफ सी वाले भैया हमारे, एफ सी हुसैन भैया को हमने फिर से डाउन किया, इनको करेंगे फिनिश। और पब्लिक जो गोल्डन हाउस 7 वाला, उसमें भी बंदे थे। यहाँ मैं आके देखता हूँ तो एक बंदा लूट कर रहा था। आए है सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं। और ये भाई साहब, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉबी थोड़ी हल्की थी, लेकिन पब्लिक मज़ा आएगा। हमने आपको पता शुरू से रैंक करना पड़ रहा है इसका भी, उसमें तो हमने कॉन्कर कर लिया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें भी सीज़न ख़त्म होने तक एस कर लेंगे। अब पब्लिक मैं यहाँ पर क्रेड लूटा, तो मुझे लगा ऑल डेड होगा। ये अलग अलग टीमों के कोई सोलो उतरा हुआ है, कोई डुओ उतरा हुआ है, और ऐसे भी पाकिस्तानी लॉबी थी ना, हमारे पाकिस्तानी भाई लोग ऐसे भी कर रहे थे, करीब करीब के घरों को लूट के बाद में आ रहे थे यहाँ पे। और अभी हमने जाके देखना भी है भाई हम मच्छर मुच्छर कैसे बन सकते हैं।
तो मैं फ़ौरन से आ जाता हूँ ऊपर। यहाँ पे क्रेट्स वगैरह लूटनी होती है, मेरे पास स्कोप नहीं होता तो मैं ना स्कोप की तलाश में होता हूँ। आपको पता है जब तक स्कोप ना मिल जाए ना बेचैनी लगी रहती है, जब तक आप अपनी M4 पे भाई एक्सटेंडेड मैग ना लगा लो बेचैनी लगी रहती है, तो ये भाई बड़ी गंदी बेचैनी होती है। आप हर जगह वही चीज़ ढूंढते रहते हो, आपके पास सारी चीज़ें हों एक चीज़ ना हो स्कोप एक्सटेंडेड, आप भाई हर जगह ढूंढते रहोगे। पब्लिक यहाँ पे ला दो वीडियो एडिट करवा रहे हो मुझसे, नींद आ रही है मुझे, नेड हुआ था यहाँ पे, तो मैं ना बंदे को स्पॉट करने के आया, मुझे ना एक स्नेक नज़र आ जाता है और मैं फ़ौरन से इसको यहाँ पे DP से ना डाउन करता हूँ। कासिम किलर भैया पास में लेटे होते हैं कि कोई आएगा खा जाऊंगा उसको, भाई एनाकोंडा बने हुए थे एनाकोंडा। अब मैं यहाँ पे आगे देखता हूँ भाई हम छोटे मच्छर कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ कुछ और ही था कलेक्शन डिवाइस, इसमें मैं क्लिक करूँ तो मेरा 50 पॉइंट्स, हम 50 पॉइंट्स इससे कोई गन वन निकाल सकते थे लेकिन मुझे कोई चाहिए नहीं थी। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ कोई ना इन ट्रूथ वही ट्रस्ट, मतलब क्या भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मैं दोबारा इस एरो को देख रहा था, यहाँ खड़ा होने वहाँ तो मैं खड़ा हूँ, वापस से बाहर गया, ये क्या चीज़ है ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ मैं ट्रांसपोर्ट पे क्लिक कर रहा था तो ये बोल रहे थे पहले वो बच्चा बन के आओ, ये देखो भाई देख रहे हो मैंने वो क्या बोला, पाकिस्तानी लॉबी हमारे भाई लोग क्या करते हैं लूट करके घास बन जाते हैं, कोई भी सामने आए भाई नॉक फिनिश कर देंगे। कितने ही सांपो को मारा मैंने यहाँ पे, आप देखना दोबारा मैं आया, मैंने ट्रांसपोर्ट पे भाई क्लिक किया लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ। अब मैं फिर परेशान, मैंने आपको बोला पब्लिक कि मैं फर्स्ट टाइम खेल रहा था, मुझे सच में आइडिया नहीं था और कि मतलब मैं क्यों नहीं वो छोटा मच्छर बन पा रहा हूँ। मैंने टिकटॉक पे आगे पीछे देखा था कि बंदा छोटा मच्छर बन जाता है, किल तो मतलब लॉबी हल्की होने की वजह से हमारे अच्छे खासे किल हो चुके थे लेकिन हमारा जो बंदा है वो मच्छर नहीं बन रहा था, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर मुझे लगा मे भी गन ड्रॉप करके बन जाए, शायद गन मेरे पास है इसलिए ना बन रहा हूँ। तो मैंने हर तरकीब इस्तेमाल करके देख ली, देखो घूमता है रुक जाता है, अब अल्लाह जाने भाई रुक क्यों रहा था। आप लोग ही हेल्प कर दो भाई मेरी कमेंट में, मुझे बताना कि मेरा जो ये बंदा है ये छोटा कीड़ा क्यों नहीं बन रहा था, और फिर मुझे अगर पता चला तो मैं फिर जाके बन के देख भी लूँगा, बट समझ ही नहीं आ रहा कि ये भाई बन क्यों नहीं रहा। फिर मैं उतर ही जाता हूँ नीचे, मैंने कह रहने दो। इसके बाद भी मैं एक और बार आया था, वो पार्ट मैं कट कर दिया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी पब्लिक। 13 किले अलहमदिल्ला हमारे हो गए थे, 45 लाइफ थे। उसके बाद भी मैं एक बार अंदर जाता हूँ, यहाँ मैंने देखा एक और स्नेक लेटा हुआ भाई, वो देखो पत्थर के पीछे पर्पल 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 तो घास होता नहीं है भाई, हमने स्पॉट कर लिया फिर कर दिया गिरश के, देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। जा रहा है आपका नॉनवेज आगे और वो बंदा पत्थर के पीछे होता है, तो एक मॉली मैंने फेंकी थी, आप खुद ही काउंट कर लो भाई 5-6 सांप हमने मारे होंगे। और जिसके मतलब जिसका प्लेन था ना वो अच्छा खेल रहा था, कॉन्करर सीजन 14 का किया हुआ था, उसका पूरा स्क्वाड अच्छा था, उनसे भी हमारी फाइट होने वाली है, तो वो काफ़ी बंदे मार रहे थे। यहाँ पे हमने बंदा फिनिश किया पब्लिक, और फिर यकीन करो इतनी दूर से गाड़ी मिली ना मुझे, उतर तो मैं गया था इस प्लांट पे भाई, इतनी दूर से जाके गाड़ी मिली मुझे रोजक के पास से, और फिर गाड़ी लेके मैं आता हूँ ड्रॉप पे कि भाई लेवल 3 उठा लेते हैं पूरा, फाइट फाइट होगी, सोलो स्क्वाड है तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, 4 बंदे आ गए तो हमें अगर लेवल 3 है तो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाएगी पब्लिक। इसलिए मैं आ जाता हूँ भाई फ़ौरन से ड्रॉप पे, ड्रॉप वो होता है मेल्टा के पास में बिल्कुल, तो हम फ़ौरन से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और लेफ़्ट पे ना आप देखोगे फायर होता है कहीं ऊपर स्क्वाड हाउस से, ये गोली चली वो हमें बुला रहे थे ऊपर वाले स्क्वाड हाउस से, मैंने जगह देख ली कि बंदे कहाँ से बुला रहे हैं, लेकिन पहले मैं चाहता था कि भाई मैं लेवल 3 उठा लूँ वरना लेट हो गए तो कोई ड्रॉप लूट के भाग जाएगा। लेट तो हम ऑलरेडी हो चुके थे बट हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हम एक भाई मामा हिरदा एक आ रहा था उससे थोड़ी देर पहले हम भाई पहुँच गए ड्रॉप यानी सकारे डब्बे पे, वो बाइक पे था, जैसे उसने बंदा देखा ना अजीब मखलूक है भाई, फ़ौरन से घुस गया पानी में कि अब मैं मरने वाला हूँ पानी में घुस जाऊँ। फिर मैंने गोलियाँ मारी, इसको पड़े काफ़ी डैमेज लेकिन ये नीचे चला जाता है पानी के, और फिर सारी मेरी गोलियाँ ज़ाया ही जाती हैं, एक भी गोली इसको लगती नहीं है। लेकिन भाई कब तक पानी में छुपेगा बेचारा, रैंक पुश कर रहा होगा, ड्रॉप लूटने आ रहा था, जैसे देखा सामने गाड़ी समझा होगा 4 बंदे पानी में घुस जाओ यहीं हमारी जान बच सकती है। लेकिन भाई जब लिखी आई होती ना फिर नहीं अब बच पाते, अब मुझे पता था कि भाई जितना मैंने डैमेज दे दिया पानी के नीचे ज़्यादा देर रुक नहीं सकता और इसको बाहर तो आना पड़ेगा, कब तक नीचे रहेगा। तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक DP वगैरह रीलोड करके मैं भाई का इंतज़ार करने लगा, और हमारे भाई जो हैं वो ऊपर आएंगे बहुत जल्दी आएंगे क्योंकि ये बाहर मतलब पानी के अंदर ज़्यादा देर रह नहीं सकते, और फिर आते हैं उसी साइड पे आते हैं। सर जी मारने की कोशिश हो रही है, पानी में खड़ा होकर भाई मारने की कोशिश करता लेकिन डाउन करता हूँ तो पानी में ही बेचारा नॉक फिनिश हो जाता है। अब मैं यहाँ से उठाता हूँ अपनी मेहरान गड्डी और फ़ौरन से जाता हूँ पब्लिक उसी साइड पे जहाँ पे लोग हमें बुला रहे थे स्क्वाड में फायर करके, तो मैं मेहरान गड्डी उठा के भागा के पहुँच जाता हूँ स्क्वाड के पास में।
और मतलब आप कभी भी अगर जा रहे हो तो, अगर मतलब एक जगह पे आपको पता है बंदे गाड़ी लेके वहाँ जा रहे हो, तो कभी भी अगर वो फायर करें तो सीधी सीधी गाड़ी मत लेके जाओ। जिगल विगल करके हो सकता है आपको पहले रुकना पड़ जाए, पहले रुक जाओ, क्योंकि अगर आप जैसे जा रहे हो मुझे मुझ पर शूट करता तो मतलब ऐसा है कि अगर हम लो हो गए तो वहाँ रुकना फिर ठीक नहीं है। हम बहुत सी बार ऐसा करते हैं, लोने के बाद भी गाड़ी रोक देते हैं और फिर लोग जम करके इजीली मार देते हैं, तो नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग हो गए तो गाड़ी मत रोको, उनके ऑपोजिट एंगल से निकल जाओ या फिर पीछे कहीं रुक जाओ या फिर बूस्ट लाजमी करके जाओ। अभी भी बहुत हल्के प्लेयर थे बेचारों ने पता नहीं गलती से मिस फायर किया होगा, मैं अंदर आके इजीली इनको डाउन कर देता हूँ। और ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई लोग थे, रोमियो वाइटी भैया और पता नहीं खान पेशावर भैया थे शायद से, दोनों को डाउन किया, फिर दोनों की मदद से लूट की, 17 किल अलहमदुल्ला हो गए थे पब्लिक। तो ये देखो इजी किल, मतलब ये लॉबी हल्की होती है जो इतने ज़्यादा ज़्यादा किल कर लेते हैं कंटेंट यूट्यूबर्स बहुत से। मैं किसी को मतलब हेट नहीं देता, ना किसी को बुरा बोलता हूँ, सब अपनी जगह अच्छे हैं, सब अपनी जगह मेहनत करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, लेकिन बहुत सी पब्लिक बहुत शादी होती है, वो कहती है भाई अनानी साहब ये आप 10 किल करते हो, फलाना बंदा 30-35 किल कर लेता है। तो मतलब मैं 10 करता हूँ एस में और दूसरे लोग मतलब यहाँ पे गोल्ड में डायमंड में कर लेते हैं, ईजी किल मिलते हैं पब्लिक। तो ये अब जो आगे स्कॉर था ना, ये था 100 जो मतलब सॉरी प्लेन वाला कॉन्कर वाला बंदा था ना, जो उसका स्क्वाड वहाँ पे बंदे मारा होता है, ऊपर वाली गाड़ी उन बंदों की है, नीचे वो किसी और बंदे को मारे थे, ये मार के आके लूटने लगते हैं। मैंने फ़ौरन से देखा भाई साहब बैठे हैं, मैंने इनको नॉक करके छोड़ दिया, 2 टैप मार दिए थे, फिर मैंने इनको छोड़ दिया कि ऊपर से इनके बंदे आएँ, और वो फ़ौरन से कवर फायर देने लग जाते हैं। अगर मैं फिनिश करता हो सकता था उसकी टीम भाग जाते, तो भाई मैं जो हूँ ना ट्राई करता हूँ उसको डाउन करूँ, लेकिन वो अच्छा स्प्रे दे रहे होते हैं, अच्छा स्क्वाड होता है, तो ये लोग जो है ना मुझे काफ़ी लो कर देते हैं। तो मैं भाग के फ़ौरन से पब्लिक कवर में आ जाता हूँ कि भाई पहले अपने आप को हील वगैरह कर लूँ और कवर में रह के मारूँ तो बेटर है। दूसरे डोर से आके लेफ्ट से पीक लेके यहाँ से इनको शूट करने लगता हूँ। ये लोग भी आ जाते हैं नीचे गाड़ी लेके, 3-4 स्मोक इन्होंने कर दिया था अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन मेरी एनोनिमस के लिए डीपी रैंडम स्प्रे में दे रहा था बार बार। गाड़ी भी ब्लास्ट कर देता हूँ फ़ौरन से कि अगर गाड़ी के पीछे तो भी फिनिश वगैरह हो जाए। मैंने गाड़ी फ़ौरन से ब्लास्ट कर दी। अब राइट पे ना एक और सोलो कोई आ जाता है और वो भी इनको मारने लग जाता है। यहाँ से मैं मार रहा था, राइट पे एक और सोलो आके इनको मार रहा था, तो ये बेचारे बड़ी गलत जगह फंस गए थे। इसीलिए कहते हैं ऊपर में फाइट लेनी नहीं चाहिए पब्लिक। RDX किंग भैया को हमने डाउन किया और फिर फ़ौरन से अपना फर्स्ट एड लगा के बूस्ट वगैरह करके पब्लिक अंदर एक बंदा आया होता है। अब मुझे तो हल्की लॉबी है, अंदर आ गया कोई बात नहीं, मैं फाइट लेता रहता हूँ, बाहर आएगा तो मार दूंगा उसको। लेकिन सभी कभी कभी ना आपको हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ जाता है। तो अभी अब देखना ये जब बाहर आएगा इसने एकदम से कितना डैमेज दे दिया, भाई ये मार देता है इतना हल्के में, मैंने इसको ले लिया था। तो मैंने फ़ौरन से इसको डाउन किया और फ़ौरन से फिनिश किया कि भाई हमने आपको हल्के में लेके बड़ी गलती कर दी, आपने तो हमारी जान निकाल दी। तो उसके बाद पब्लिक में फ़ौरन से देखता हूँ बंदे हैं कहाँ, वो ना इधर ही होते हैं गाड़ियों के पीछे, और वो राइट वन जो लेफ्ट में बुश देख रहा हूँ उसके पीछे भागेंगे। हील में कर लेता हूँ, आप राइट से देख सकते हो और एक बंदा है जो इनको कॉन्टीन्यूसली मारे जा रहा था। भाई बारिश हुई है यहाँ पे रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा तेज़, और अभी भी लोगों की छतों से पानी नीचे गिर रहा है। तूफान में सोच रहा था मैं, तूफान आया हुआ था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत बिजली कड़क रही थी, तो मैं सोच रहा था एडिट कर लूँ, पर शोर ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा सा वेट किया। अब मुझे नींद भी ज़्यादा आने लग गई क्योंकि एक रात पूरी रात हो गई समझ लो मुझे लाइक 2 वीडियोज़ बनाने में, सिर्फ एडिट करने में। पब्लिक फिर टिकटॉक शिकटॉक अलग भाई बड़ा गारक हो जाता है टू बी ऑनेस्ट। अब पब्लिक में उस बंदे को स्पॉट करने के लिए इस साइड पर आता हूँ और वो बंदा मुझे नज़र नहीं आता, मेरे पास एमओ वगैरह भी नहीं होती, स्प्रे कर करके गोलियाँ चला चला के हमने ख़त्म कर दी थी। तो यहाँ से जितनी एमओ मिलती है मैं वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके उठा लेता हूँ एमओ। बंदे पीछे भाग रहे होते नज़र आए, फिर से स्प्रे दिया, इनको इतनी बार नॉक किया ना बेचारों के साथ, गलत ही सीन हो रहा था। ये मुराद भैया फिर डाउन हो गए, RDX भाई को भी हमने इतनी बार डाउन किया। फिर से मैं रैंडम स्प्रे मारता हूँ वहाँ पे, कोई भी बुश या दरख्त ना उसकी लाइट राइट लेफ्ट स्प्रे करते रहा करो पब्लिक को। बेचारा देखो स्मोक के रैंडम स्प्रे में आ गया इजीली, आई गेस इसने हील नहीं किया हुआ था, इतना लो था, एक दो गोली लगी मेरी। और जो इनको फिर राइट से मार रहा था नजम जान भाई, इनको भी हमने स्पॉट करके डाउन कर दिया। फिर अपने मेहरान गड्डी उठाई, फ्यूल किया इसमें इजीली, और मतलब काफ़ी लंबी फाइट चली, लेकिन मुझे भी कोई जल्दी नहीं थी तो मैं रश नहीं कर रहा था स्प्रे से। अगर डाउन हो सकती तो रश क्यों करें भाई, है ना, अगर ईजिली काम हो सकता तो उसको मुश्किल तरीके से क्यों किया जाए। फिर मैं मेल्टा से गुजर के जा रहा था जोन में पब्लिक। अब यहाँ दो मेरी बहनें, दोनों फीमेल प्लेयर होती हैं, और मतलब इसलिए मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा डांस करता हूँ। एस मरियम को मैंने डाउन किया, अब इसकी टीममेट जब वो टावर में रुक जाती है, दो को देखा था मैंने, तो दूसरी भी फीमेल प्लेयर होती है। अब मैंने ना यहाँ पे डांस इसलिए किया था कि मेरी आईडी का नाम भी टिकटॉक कोई ने लड़कियों वाला नाम रखा हुआ था मैंने चेंज करके, तो उनको लगेगा लाइक यहाँ मैंने खुद नहीं मारा, ठीक है, मैं चाह रहा था कि थोड़ा तंग करूं। अगर मैं चाहता डीपी का थोड़ा सा और ब्रश मारता ना पीक ख़त्म ना करता तो वो मर जाती, तो ये दो ही देखे थे मैंने कहा थोड़ा तंग करूं, और यहाँ मैंने डांस वांस करके तंग करने लग जाता हूँ कि इनको लगेगा लड़की ने लड़की को मारा, बट इधर तो लड़का है, मतलब यहाँ तो पापा का परा है लॉल।
तो अब ये देखना दोनों में स्मोक किया जाने के लिए, और मैंने इसके राइट लेफ्ट गोलियां मार रहा होता हूँ ऐसे तंग करने के लिए। देखो ये आगे वाली साइड पे गोली मार दी, ये बैक साइड पे गोली मार दी तंग करने के लिए, लेकिन बेचारी जा रही होती है, एक गोली लग जाती है वो, सॉरी। तो बेचारी जा रही होती है लेने के लिए मेरी बहन, लेकिन वो नहीं पहुँच पाती वहाँ तक, रास्ते में दम तोड़ जाएगी। तड़प तड़प के इस दिल से आ निकलती रही मुझको सजा दी नॉक होने की। मरियम बाजी मर गई अब इनके टीम मेट सामने। अब मैं मस्ती कर रहा था, लेकिन मुझे क्या पता था भाई ये थोड़ा ठीक ही खेल रही है, इतना भी कोई हल्के में नहीं लेना चाहिए। अच्छा जब लॉबी हल्की होती है ना, आपका नॉलेज बहुत सबको हल्के में लेने लग जाता है भाई। ये मेरी बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बार ऐसे मर जाता हूँ मैं लो लॉबी में कि मैं मस्ती कर रहा होता हूँ, जस्ट नीड वगैरह हो रहे हैं भाई। पर यहाँ मैंने ना काफ़ी लो किया, फिर मैंने कर दिया रश, क्या भाई बहुत मजाक हो गया। आयशा बाजी को हमने डाउन किया, मरियम बाजी आयशा बाजी दोनों को डाउन करने के बाद हमने इनको तंग करने के लिए थोड़ा सा डाउन किया कि टिकटॉक क्वीन से मर गए तुम दोनों, डेंगे 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 डेंग। एस मरियम बाजी और आयशा बाजी को हमने डाउन करने का थोड़ा सा तंग किया डांस वांस करके, और फिर फ़ौरन से यहाँ पे लूट वगैरह करके पब्लिक मैं चला जाऊँगा जोन की तरफ। 14 किल, अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारे हो चुके थे, जो कि बहुत अच्छे किल हैं, बहुत अच्छी बात है इतने किल्स हो जाना। फिर भाई मैं बग्घी उठाता हूँ अपनी और फ़ौरन से जाता हूँ जोन में। जोन में सामने ही ड्रॉप पड़ा होता है, और ड्रॉप पे आई होती है एक गोल्डन कलर की मिराडो, जो इरेंगल की मिराडो है वो आई होती है, जिसको लाइक हम चेंज करके पब्लिक फजर का टाइम हो गया था, तो मतलब अजाने करीब करीब के जितनी भी मसाजिद वहाँ होने लगती थी, जिससे मैं रिस्पेक्टफुली भाई कमेंट्री रोक दी थी। अब बहुत दूर दूर अजाने हो रही हैं तो आवाज़ नहीं आ रही, तो हम अपनी कमेंट्री फिनिश कर सकते हैं। फजर का टाइम, सॉरी फजर का टाइम है तो काफ़ी लेट हो चुका है। जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन मिराडो पे जैसे मैंने स्पॉट के उसको शॉट्स वगैरह दिए, चेस करने के लिए ऊपर जाता हूँ कि भाई यहीं कहीं गई थी, मिलनी तो चाहिए है कहाँ। जैसे आपका नॉलेज थोड़ा सा और ऊपर रहता है, यहाँ पे हमें भाई 1 2 3 पूरे 3 स्नैक्स है ना कॉन्डा नज़र आते हैं। अब जब जब मुझे नज़र आए मैं फ़ौरन से भाई गाड़ी को भगा के वापस नीचे आया, तो यहाँ मुझे डाउन कर सकते थे अगर स्प्रे अच्छे होते, बग्घी से उतार सकते थे या बग्घी ख़राब कर सकते थे, इतना टाइम था इनके पास। लेकिन जैसे मैं आपसे कहा काफ़ी बार कि ये कोई तगड़ी लॉब भी नहीं है, मतलब अब कौन यूट्यूबर बताता है बार बार है, आपका नॉलेज वैसे बताता है। देख दो भाई लॉब भी अच्छी नहीं है, अच्छी लॉब में नहीं खेल रही। यहाँ मैंने मोटा पिस्तौल, पता नहीं क्या नाम था, मोटा पिस्तौल। ओके भाई मोटा पिस्तौल कौन नाम रखते हैं भाई, हाँ पीछे से शॉट्स पड़ते हैं भाई साहब, तो पता नहीं क्या सोच रहे थे कि मार लो भाई ये खड़ों में। फिर मैंने मुर्शद मुदस्सर भैया को मार लिया। अब 3 बंदे बचे हैं जिसमें से एक नॉक है, 2 को उधर से वाला है। अब मैंने आपसे एक और बात कही थी कि मुझे खुजली होने लग जाती है, और वो खुजली ये होती है कि हल्की लॉबिया मस्ती कर लो, वही चीज़ यहाँ पे जाना मतलब हमारे हमें नुकसान देने वाली है। देखो मस्ती चल रही है, अभी मार सकता हूँ लेकिन मस्ती चल रही है, देख रहे हो लड़के को, देख रहे हो तंग कर रहा है। एक्चुअली जोन में उन बंदों को आना था और मैं ऑलरेडी जोन में था, तो अभी मैंने डिसाइड किया कि जब वो लोग आएंगे तो मैं अपनी दोनों गन्स ना ड्रॉप कर दूंगा। ये मोटा पिस्तौल भैया को हमने डाउन कर दिया, 2 बंदे बचे हैं और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में वहीं पर बैठे हुए हैं, दोनों दरख्त के पीछे अलग अलग। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि एक बंदे को मार दूंगा और दूसरे को जो है ना दोनों गन ड्रॉप करके 3 नेड़ है, कोशिश करूंगा 3 नेड़ में मार दूं, और मतलब गन फेंक के ही कि अगर नेड़ ख़त्म हो जाए तो मैं मर जाऊं, नेड़ अगर ठीक हो गए तो ठीक है, अगर नेड़ ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊं। तो ये मैंने बैठे बैठे यहाँ पर सोच लिया था। अब मुझे एक की पोजीशन पता थी, दूसरा ऐसा तो पेड़ के पीछे था, दोनों की पोजीशन पता हो गई थी, और अभी जस्ट 10 सेकंड में जोन भी आने वाला था। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ उसको करने के लिए मुझे एक बंदे को लाजमी नॉक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे मौका मिल जाता है, क्योंकि उनको भी आइडिया था कि जोन भाग जाना है, तो वो भी काफ़ी टेंशन में थे बेचारे कि जोन कैसे जाया जाए। फिर एक बंदा इनका भागता है जोन में और मुझे मौका मिल जाता है इसको डाउन करने का, तो मैं इसको डाउन कर देता हूँ। अब जो आखिरी बंदा बचा है, और इस आखिरी बंदे को अब मैंने मारना है सिर्फ नेट से, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको थोड़ा पिंच करके रखता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जोन का डैमेज खाए, वो कवर में था और मैं उसको मार इसलिए रहा था कि वो आगे आ ना जाए, मतलब जोन टच और जोन का डैमेज खाए तो नेट से मारना ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे वो जोन से आने लगता है ना, तो मैं दोनों गन्स वापस जाके गिरा दूंगा अपनी। अब मेरे माइंड में आ रहा है चल भाई गन गिरा दे, दोनों गन मैंने फेंक दी, अब जस्ट नेड है मेरे पास और मुझे नेड से इसको मारना है। अब भाई मुझे समझ नहीं आई यहाँ पर जो ने मेरे साथ क्या किया, उसको जोन का डैमेज पड़ रहा होगा, ठीक है डैमेज ज़्यादा है, काफ़ी देर से वो जोन के वहाँ से आ रहा था, ये पहला नेट किया, चलो दूर था हल्का सा डैमेज होना चाहिए, ज़्यादा ना हो हल्का सा होना चाहिए, दूसरा नेट निकाला ये फेंका, चलो इससे भी हल्का सा डैमेज तो होना चाहिए, ठीक है। ये तीसरा नेट हाथ में, बंदा रश कर रहा है, बहुत क्लोज आ गया आ गया आ गया नेतन का, ओए होए मरा ही नहीं हो, ऐसे हम मजाक मजाक में हमारा काम हो गया। तो मेरी नाम से वाली वीडियो कैसे लगी प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करिएगा मुझे ज़रूर आना, तो बात भी लगती तो प्लीज़ उसको माफ़ कर देना, अच्छी लगती जैसे प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना मेरी एनोनिमस की पब्लिक।
बाकी इंस्टाग्राम तो फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है।